ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पुरानी विंडो को बिल्कुल नया कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ फिनिश, हाई ग्लोस फिनिश कर ली है, ब्राउन कलर किया है इसके ऊपर हमने। ये देखिए, इस पॉलिश को करने में जो हमने मटेरियल प्रयोग किया है उसकी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में या फिर बीच में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुरानी विंडो को किस तरीके से पॉलिश किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पिरिंडी की लकड़ी है, बाकी आपकी लकड़ी किसी भी प्रकार की हो, पॉलिश करने का प्रोसेस सेम ही होगा। यह विंडो बारिश में पड़ी थी इसलिए ख़राब हो चुकी है, तो अभी हमें इसको नया करना है, इसको पॉलिश करनी है। तो कंडीशन आप इसकी देख ही सकते हैं। सबसे पहले इस पर हमें ग्राइंडर मारना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब है, तो बिना ग्राइंडर के ये सेट नहीं होगी, इसके जोड़ वगैरह भी खुले हुए हैं। तो इसके पर हम सबसे पहले ग्राइंडर मार लेते हैं। ग्राइंडर में हमने 80 नंबर का रेगमा लगा के रखा है और इसको अच्छी तरह दबा के मार देंगे ताकि सारे जोड़ जोड़ बराबर हो जाएं और विंडो बिल्कुल नई हो जाए। ये देखिए, ये चाप की लकड़ी है, बाकी आपकी लकड़ी किसी प्रकार की हो, पॉलिश करने का प्रोसेस सेम ही होगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। तो देखिए, ग्राइंडर मार लिया है हमने, अभी जो मोल्डिंग है उस पर ग्राइंडर नहीं चला है तो उसको हमें हाथ से हटाना पड़ेगा। ये देखिए, ये पट्टे वाले रेगमाल से रगड़ के इसको पूरा साफ़ कर लेंगे। तो हमने साफ़ कर लिया है मोल्डिंग को पूरा, देखिए बिल्कुल नई हो गई है ये। अभी हमें इसकी रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के लिए हम बुरादे का प्रयोग करेंगे, जो बड़े बड़े होल हैं उसमें हम बुरादे का प्रयोग करेंगे, जो लकड़ी का बुरादा निकला है ग्राइंडर मारते समय उसी का हम प्रयोग करेंगे इसकी रिपेयर करने के लिए। देखिए, लकड़ी का बुरादा है, इसमें हम फेविकोल मिक्स करेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी हमें ऐड नहीं करना है, बस फेविकोल ही डालना है और उसके बाद में जहाँ पर भी बड़े बड़े होल हैं वहाँ पर इससे रिपेयर कर देनी है, जिससे कि ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फेविकोल आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का फेविकोल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर इस तरीके से इसको मिक्स करना है और उसके बाद में रिपेयर कर देनी है इस तरीके से। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर आप दो बार रिपेयर कर लें, बाकी छोटे मोटे एक बार में ही कवर हो जाएंगे। इस तरीके से रिपेयर करने के बाद में इसको दो चार घंटे तक सूखने के लिए छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हमने फेविकोल मिक्स किया है तो सूखने में थोड़ा टाइम लगाएगा। और दोस्तों, ये है हमारी ईबुक, इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में, और इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिश पेंट करना सीखें, उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे तो वहीं पे मेरा नंबर भी आ जाएगा। सूखने के बाद में हल्का सा इसके पर हमें रेगमाल लगाना है, पट्टे वाला जहाँ पर हमने रिपेयर की है, और उसके बाद में वुड फिलर से पूरी लकड़ी के ऊपर हमें खींचना है, जिस तरीके से हम पाउडर करते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर खींचना है। ये देखिए, ये है वुड फिलर, टीक कलर का वुड फिलर है, आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, कलर आपका टीक होना चाहिए जो कि नेचुरल होता है। और फिर पूरी विंडो के ऊपर हमें इससे फिलिंग करनी है, जिससे कि जो छोटे मोटे होल होंगे तो वह भी इससे बराबर हो जाएंगे। बाकी आप चाहें तो सेना पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेना पाउडर के मुकाबले यह पुट्टी ज़्यादा मजबूत होती है वुड फिलर। फिर इसको सूखने देंगे, सूखने के बाद में इसके ऊपर हम पट्टे वाला रेगमाल लगाएंगे। ये देखिए, 120 नंबर का हमारे पास पट्टे वाला रेगमाल है, बाकी आप चाहें तो 100 नंबर का भी ले सकते हैं या 80 नंबर का भी ले सकते हैं, पट्टे वाला रेगमाल होना चाहिए। और फिर पूरी लकड़ी को दबा के रगड़ देना है ताकि जो ग्राइंडर वगैरह के निशान हो वह भी सारे मिट जाए, और जो इसमें हमने रिपेयर की है जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी होगी वह भी सारी निकल जाएगी। इससे दबा के मारना है ताकि पूरी रिपेयर इसकी साफ़ हो जाए। उसके बाद में इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से, फिर हमें मारना है इसके ऊपर लाखदाना पॉलिश। ये देखिए, लाखदाना पॉलिश है, ये हमने बना के रखी है। ये लाखदाना और स्पिरिट को मिक्स करके बनाई जाती है, यूज करने से पहले इसको धूप में रखना पड़ता है, जब यह गर्म हो जाती है तो कपड़े से फिल्टर करके, कपड़े से छान के इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, लाखदाना पॉलिश है ये। फिर इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, इसके हमें दो तीन हाथ पहले मारने हैं इस तरीके से, और रगड़ के मारना है, पहला हाथ इसको रगड़ के मारना है ताकि जो थोड़ी बहुत पुट्टी रह गई हो, पुट्टी के निशान रह गए हों, वह भी साफ हो जाए इस तरीके से। दो तीन हाथ अप्लाई कर देने हैं। दो तीन हाथ अप्लाई करने के बाद में अगर आपको इसका कलर चेंज नहीं करना है, कलर नेचुरल ही रखना है, तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट सीलर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको कलर करना है तो कलर कर सकते हैं इसके ऊपर। हम इसके ऊपर वॉलनट वुड स्टेन का प्रयोग करेंगे कलर करने के लिए। वॉलनट वुड स्टेन हम पॉलिश में मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमें ब्राउन टोन पे इसको करना है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। इसके हमें 5-7 हाथ अप्लाई करने पड़ेंगे कलर के। जितना भी आपको डार्क करना हो उतने आप इसके ऊपर गद्दियाँ मारेंगे, ये उतना ही डार्क होता चला जाएगा ब्राउन टोन पे। वॉलनट वुड स्टेन है जो कि ब्राउन टोन में होती है पॉलिश हमारी, उसके लिए वॉलनट वुड स्टेन का प्रयोग करते हैं। अब इसकी आप गद्दियाँ मारते रहिए, ये तुरंत ही सूख जाता है। बाकी आप 2-4 मिनट छोड़ भी सकते हैं इसको। जब तक कि आपका पूरा कलर सेट नहीं हो जाता है तब तक आप इसके ऊपर वुड मारते ही रहिए। देखिए हमने इस तरह का कलर कर लिया है, ब्राउन टोन पे कलर कर लिया है इसका, ये देखिए। अभी हमें इसके ऊपर सीलर अप्लाई करना है, जाली को आपको कवर करना है। अगर आप जाली को नहीं बदलना चाहते हैं तो जाली कवर कर सकते हैं। ये देखिए ये है मेलामाइन सीलर, हम इसी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम मेलामाइन पॉलिश करने वाले हैं इसके ऊपर। और ये हार्डनर है जो कि डब्बे के साथ में ही मिलता है आपको। ये देखिए मेलामाइन सीलर 1 लीटर की पैकिंग है। बनाने का तरीका है 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर मिक्स करना होता है। उसके बाद में इसको हमें अप्लाई करना है। हम स्प्रे गन का प्रयोग करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। हवा का प्रेशर आपका 60-70 पॉइंट होना चाहिए। जाली अगर कवर करनी है तो कवर कर सकते हैं, हमें चेंज करनी है इसलिए हम जाली को कवर नहीं कर रहे हैं। और फिर दबा के इसके ऊपर हमें 2-3 हाथ इकट्ठे मार देने हैं ताकि इसकी नस पूरी भर जाए। बाकी अगर आपको डबल कोट लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो जब यह सूख जाएगा तो इसकी हल्की सी सैंडिंग करके 400 नंबर या फिर 320 नंबर रेगमाल से इसके ऊपर आप डबल कोट भी सीलर का अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि इसकी नस पूरी भर जाएगी। हम 1 कोट ही इसके ऊपर मारेंगे, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मार सकते हैं। उसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ना है। सूखने के बाद में इसकी हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए 320 नंबर रेगमाल या फिर 400 नंबर के रेगमाल का प्रयोग करेंगे और अच्छी तरह दबा के मार देंगे। बस कलर नहीं निकलना चाहिए, बाकी पूरा हमें घिस देना है इसको। चाहे तो आप पानी से भी इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में इसको कपड़े से साफ कर लेना है अच्छी तरह से। और फिर अगर आपका कहीं कलर कटा हुआ है तो आप वही जो कलर हमने पहले अप्लाई किया था वही कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर कलर सही है तो आप इसको थिनर से साफ करके इसके ऊपर आप डायरेक्ट मेलामाइन ग्लोसी या फिर मेलामाइन मैट कर सकते हैं। अगर आपको मैट भी नहीं चाहिए तो मैट कर सकते हैं, ग्लोस चाहिए तो ग्लोस कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ग्लोसी है, मेलामाइन ग्लोसी। पैकिंग सेम ही होती है सभी की, सीलर की, ग्लोसी की, मैट की। बनाने का तरीका भी सेम ही होता है सीलर, मैट और ग्लोसी को। ग्लोसी में आपको हाई ग्लॉस फिनिश मिलती है जबकि मैट में किसी भी प्रकार की सैनिंग नहीं होती, वो मैट फिनिश ही होता है। ये देखिए मेलामाइन थिनर है, इसको भी बनाने का तरीका है 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर। इसको यूज करने से पहले आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लें, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर डस्ट वगैरह होगी उड़ के इसके ऊपर चिपक जाएगी जिससे कि इसमें दाने वगैरह हो जाएंगे, तो इसको साफ करना ज़रूरी होता है आपको एरिया को। और फिर इसके ऊपर हमें कोट अप्लाई करना है, मेलामाइन ग्लोसी अप्लाई कर रहे हैं हम इस तरीके से। इसको भी थोड़ा सा दबा के मार देंगे अगर आपको 1 कोट में ही फिनिश करना है तो, जिससे कि यह एक बार में ही पूरा फिनिश हो जाएगा। बाकी अगर आपको डबल कोट लगाना है तो जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर 400 नंबर या फिर 600 नंबर का रेगमल लगा के इसके ऊपर आप डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं मेलामाइन ग्लोसी का। बस आपको सुखाना है इसको, 5-7 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ना होगा, उसके बाद में ही आप डबल कोट कर सकते हैं। ये देखिए हमने सिंगल कोट में ही इसको पूरा फिनिश कर लिया है और ये लगभग सूख भी गया है पूरा। इसकी फिनिशिंग बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ है। अभी हमें इसके ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इसके ऊपर कंपाउंड करना चाहते हैं तो कंपाउंड कर सकते हैं, 48 घंटे के बाद में इसके ऊपर कंपाउंड कर सकते हैं आप। हम इसमें कंपाउंड का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।